हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम कवर करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, आप न्यू अपडेट भी कह सकते हैं, और सेकेंडली ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और डेली रिजीम में तो आपके यूज़ में आएगा बिकॉज मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। टॉपिक का नाम जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं, ऐड कस्टमाइजर एट्रीब्यूट। और मैं जो आज आपको सिखाने वाला हूँ ऐड कस्टमाइजर में, और भी वीडियोज़ आपने यूट्यूब पर देखी होगी, बट मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ एक्सेल अपलोड, मतलब हम बल्क अपलोड करेंगे एक्सेल के थ्रू। और टॉपिक क्या है, मैं पहले थोड़ा एक शॉर्ट ब्रीफ आपको दे दूं जिनको ये नहीं पता ऐड कस्टमाइजर क्या है। ऐड कस्टमाइजर बेसिकली फ्रेंड्स एक थोड़ी प्रो टेक्निक है, नाम ही ऐड कस्टमाइजर। डायनेमिकली एड्स को हम ऐसे बनाएंगे कि वो जो हम कीवर्ड यूज कर रहे हैं अपने ऐड ग्रुप में उससे रेलिवेंट हमारी हेडलाइंस बन जाए। जैसे कि अगर आपने एक ऐड ग्रुप में कोई पर्टिकुलर कीवर्ड की थीम यूज करी है और आप चाहते हैं वो जो कीवर्ड्स के वर्ड्स हैं, जो कीवर्ड्स आप यूज कर रहे हैं वो हमारे एड्स में हम यूज करें। अब हो सकता है मल्टीपल एड ग्रुप्स आपने बनाए हो, काफी सारे एड ग्रुप्स कंपनी में बनते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली हम एक ऐड बनाएंगे सारे एड ग्रुप्स में और वो हमारा ऑटोमेटिकली मतलब डायनेमिकली उसका कंटेंट जो है वो कमांड्स हम देंगे कस्टमाइजर को यूज करके, और वो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो है वो फंक्शन करेगा और हमें हेल्प करेगा एड और कीवर्ड्स को कंपैटिबल बनाने में, उनकी रेलिवेंसी को इंक्रीज करने में, सो दैट कि आपका जो कीवर्ड क्वालिटी स्कोर है वो बेटर हो, उससे आपकी ऐड की जो रैंक है उस पर अच्छा इम्पैक्ट पड़े। ठीक है, तो ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो अभी हम करने वाले वो हमारा एक एक्सेल का वर्क है, एक शॉर्ट ओवरव्यू जो मैं अभी कर रहा हूँ, लाइव एग्जीक्यूशन कर रहा था, मुझे लगा आपके लिए सेशन रिकॉर्ड करना चाहिए, काफ़ी टाइम से कोई सेशन नहीं आया, अब मैं ट्रेनिंग्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, तो आप लर्न करें जितना बेटर आप लर्न कर सकते हैं, एडवांस ट्रिक्स, थोड़ा न्यू फंक्शन। ठीक है, तो ये मेरा एक एक्सेल है, पूरा बताऊंगा अभी मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मेरा बेसिकली आइडिया है इस पर, और आपको पूरा एग्जीक्यूशन इस पर करके दिखाऊंगा। सेकेंडली ये मेरा एक फ्रेंड कैंपेन है जिसमें आप देख रहे होंगे मैंने तीन ऐड ग्रुप बनाए लेफ्ट साइड में, एक ऐड ग्रुप मेरा टूर का है, एक ऐड ग्रुप मेरा हॉलीडे का है, एक ऐड ग्रुप मेरा हनीमून का है। तो तीनों में अलग अलग कीवर्ड यूज करें, टूर में टूर के कीवर्ड्स हैं, हॉलीडे में हॉलीडे के कीवर्ड्स हैं, हनीमून में हनीमून के कीवर्ड्स हैं। ऐड कॉपी एक बनाऊंगा, उसको मैं तीनों ऐड ग्रुप्स में यूज करके आपको कस्टमाइजर फंक्शन एग्जीक्यूट करके बताऊंगा। ठीक है, क्या प्रोसेस, क्या कॉन्स हैं, क्या लूप्स आते हैं जब आप इसको बनाएंगे, चैलेंजेस बहुत आते हैं, प्रॉपर करेक्ट मेथड बताऊंगा ताकि आपको कोई चैलेंज कोई हैसल ना है और वन गो में आप चीजें कर लें। सबसे पहले करना क्या हमने फ्रेंड्स, हमने एक एक्सेल अपना रेडी करना है। ठीक है, आप एक्सेल मतलब वर्कबुक में भी इसको रेडी कर सकते हैं, आप इसको कॉमा डिलिमिटेड फॉर्मेट में भी .csv में भी सेव कर सकते हैं, जैसे आपको इसको सेव करना है आप करें, उसमें कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है, कॉलम का नेम आपने फर्स्ट वन देना है, मैंने बोल्ड करा है, एट्रीब्यूट आपके सामने विजिबल भी है, आप नोट डाउन कर लें। सेकंड वाला डेटा टाइप, थर्ड आपने रखना है अकाउंट वैल्यू। ठीक है, ये तीन आपको जो है अपने कॉलम्स बनाने, ये आपके हेडर्स हो गए बेसिकली। फिर आपने नीचे ये जो आप सेकंड रो से देख रहे हैं ये सारी एंटिटीज मैंने डाली हुई है, दो मैंने आपके सामने डाली हुई है, एक एंटिटी मैं आपके सामने डालूंगा। अब मैं एंटिटीज डाल क्या रहा हूं या आपने क्या एंटिटीज डालनी है। एट्रीब्यूट बेसिकली फ्रेंड एक शॉर्ट आइडिया है जो आप डिफाइन कर रहे हैं कि आपने करना क्या है, आप करना क्या चाह रहे हैं। तो जैसे आप मेरा कैंपेन देख रहे होंगे तो मैंने यहाँ पे तीन एड ग्रुप बना रखे हैं, टूर हॉलीडे हनीमून। तो मैंने अपने एट्रीब्यूट्स ऐसे डिफाइन कर रखे हैं एक्सेल में कि मेरा एक एड ग्रुप है हॉलीडे, एक एड ग्रुप है मेरा टूर, एक एड ग्रुप है मेरा हनीमून जो मैंने अभी बनाया नहीं। ठीक है, डेटा टाइप है मेरा टेक्स्ट, ऑब्वियसली मैं टेक्स्ट ही एड कर रहा हूँ, है ना, तो मैं टेक्स्ट यहाँ पे यूज करूंगा, बाई डिफॉल्ट आपको टेक्स्ट ही लेना है। अब यहाँ पे जो मैं अकाउंट वैल्यू दे रहा हूँ ये मैं क्या दे रहा हूँ, ये बेसिकली मेरी हेडलाइंस है, मैं चाहता हूँ कि मेरी हेडलाइन जो है वो जो कीवर्ड मैं यूज कर रहा हूँ उससे रेलिवेंट मैं कस्टमाइज खुद बना रहा हूँ यहाँ पे, ताकि ये वैल्यूज वहाँ पे एड में ऑटोमेटिकली पिक करे मेरे एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग, मतलब जिस एड ग्रुप में मैं जो असाइन करूंगा एट्रीब्यूट, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ा टेक्निकल है, जो समझ पा रहे हैं वो समझ जाएंगे अभी, बाकी जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आपको भी क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा आगे बस अब क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको रेलिवेंट देता हूँ हनीमून पैकेज। अब एक चीज का फ्रेंड और ध्यान रखना है, जब आप इतना काम कर रहे हैं तो एक दो चीजें आप ध्यान में और रखें, हेडलाइन जो होती है हमारी फ्रेंड्स वो 30 कैरेक्टर की होती है। ठीक है, अगर डिस्क्रिप्शन आप बना रहे हैं तब तो 90 कैरेक्टर है, तब तो आप अपने अकॉर्डिंग देखें, बट अगर आप हेडलाइंस के लिए, मैं ज्यादा यूज करता हूँ, मैं डेली रिजीम में हेडलाइंस को उसको ज्यादा यूज में लेता हूँ, तो हेडलाइंस में आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हेडलाइंस के लिए कस्टमाइजर को यूज करें ज्यादा, और डिस्क्रिप्शन बेसिकली ओवरऑल बिजनेस का सिमिलर होता है क्योंकि हम पूरे बिजनेस को ही ब्रीफ कर रहे हैं, एड ग्रुप हमारे जो थीम वाइज कीवर्ड के अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो मैं हेडलाइंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, आप चाहें तो सेम कॉन्सेप्ट डिस्क्रिप्शन में भी लगा सकते हैं, बट कैरेक्टर लिमिट का फर्क है, वहां 90 हो जाएगी यहाँ 30 हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहा हूँ इज इक्वल टू लेंथ ब्रैकेट, क्योंकि जो मैंने लिखा है मुझे देखना भी तो है फ्रेंड्स, ब्रैकेट क्लोज
कि ये 30 कैरेक्टर के लेस है कि नहीं विद स्पेस। अब मैं इसको करता हूँ ड्रैग। तो फ्रेंड्स, ये मैंने जो लिखा है कंटेंट हेडलाइन के लिए, ये मेरा लेस देन 30 कैरेक्टर है, तो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। तो मैं इसको चाहूँ तो डिलीट कर देता हूँ, अगर आप नहीं भी करते तो भी ये सेव हो जाएगा। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ फ्रेंड्स, कंट्रोल एस कर रहा हूँ, ठीक है। एक चीज का और ध्यान रखें, जैसे स्पेस मैंने बीच में प्रोवाइड करा है वैसे ही आप प्रोवाइड करें, ऐसा ना हो कि आप अंडरस्कोर लगा लें या आप इसे कॉन्टिन्यूस मैटर में लिख लें। जो फॉर्मेट मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना है। कस्टमाइजर के और भी बहुत सारे पैरामीटर हैं, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पैरामीटर जो है वो मैं आपके साथ आज डिस्कस कर रहा हूँ, और ये आपके रिज्यूम में डेली यूज में आएगा, ठीक है। क्योंकि कैंपेन एड ग्रुप एड्स आप डेली बनाते हैं ना, अब रिस्पॉन्सिव एड जब से आइए तब से आप एक एक ऐड बनाते हैं, ज्यादा नहीं बनाते, तो कुछ चीजें आप टेस्ट एंड ट्राई कर सकते हैं, तो एक बार इसको भी यूज करके देखें। तो ये मैं कंट्रोल एस करता हूँ, सेव मेरी ऑलरेडी थी, मैंने इसको लास्ट जो मैंने हनीमून ऐड करा है ऐड ग्रुप के लिए एट्रीब्यूट, ये मैंने सेव कर दिया। अब करना क्या है फ्रेंड्स, आपने अब आपने आना है अपने एडवर्ड्स अकाउंट में। अब मैं बिजनेस डेटा में ऑलरेडी हूँ, तो बिजनेस डेटा में आप कैसे पहुंचेंगे, टूल्स पे जाना है आपने, सेटअप के नीचे ऑप्शन आता है बिजनेस डेटा, फर्स्ट ऑप्शन ही आता है। बिजनेस डेटा पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगा डेटा फीड का, बस आप ऐसे ही लैंड होंगे अपने इस पे, ठीक है। आप ऐसे ही लैंड होंगे अपने इसमें। लैंड होने के बाद आपने करना क्या है फ्रेंड्स, आपने अगर आप देखिए, एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे कई ट्रेनिंग मेरे से पूछ रहे थे तो मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। अगर आप डेटा फीड में जाके प्लस करके यहाँ पे सेटअप बनाते हैं, ये वाला एड कस्टमाइजर फॉर टेक्स्ट एड, इसको क्लिक करते हैं, तो फ्रेंड ये आप कभी भी ट्राई कर लीजिए। ये फंक्शन जो था ये एक्सपेंडेड टेक्स्ट एड के लिए था, ये फंक्शन अब गूगल नहीं सपोर्ट करता। तो अगर आप यहाँ पे अपने डेटा सोर्स में जाके फाइल अपलोड करेंगे यहाँ से अटैच करके, तो फ्रेंड ये सपोर्टेड नहीं करेगा, ये फेल ही करेगा एवरी टाइम आपका एक्सेल अपलोड, ठीक है। जो भी आप अभी एक्सेल बनाए मैं डालूंगा, एरर आ जाएगा। मैक्सिमम लोग यहीं से ट्राई करते हैं, कहते हैं सर एक्सेल हमारा अपडेट ही नहीं हो रहा। तो ये प्रॉब्लम यही है कि आपको इसको यहाँ से नहीं अपडेट करना, ये गूगल अभी अपडेशन में रोल आउट कर रहा है फंक्शन, तो जैसे ही RSM आएगा आपको अपडेट आ जाएगा, अदरवाइज ये फंक्शन हटा देगा, ठीक है। अब हमने करना क्या है, हमने एड कस्टमाइजर एट्रीब्यूट्स में जाना है, ये नया अपडेट है, इसको आपको यूज करना है। अब एक चीज का ध्यान रखना, जो फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम बना रहे, जैसे नया अकाउंट था अभी मैं इस पर आज से शुरू कर रहा हूँ काम, अभी थोड़ा बहुत ही स्पेंड हुआ है, कुछ बिलिंग इशू था, थोड़ा बहुत कुछ अकाउंट में प्रॉब्लम भी आया, अभी मैंने एस्केलेशन करा हुआ है, बट ये रिव्यू हो जाएगा, ये मतलब ठीक हो जाएगा चीज़ों को। तो मैं इसका सेटअप अभी रेडी कर रहा हूँ। ऐड कस्टमाइजर फर्स्ट टाइम बनाएंगे तो यहाँ पे स्टेटस आपका ऐसे ब्लैंक आएगा, और आपके सामने के पॉपअप आएगा टॉप में, जहाँ पे आपको बोलेगा कि आप अपलोड कर सकते हैं अपने ऐड कस्टमाइजर बल्क वैल्यूज, ठीक है। एक तो ऑप्शन ये आएगा। अब कई फ्रेंड्स जिनके पास कुछ हो सकता है, पहले प्रीवियस डेटा हो, कंपनी ने पहले काम कर रखा हो, या किसी प्रोफेशनल ने पहले काम करा हो, तो उनके पास ये पॉपअप नहीं आएगा, उनके पास सीधा ऐसे प्लस साइन आएगा, और ये साइन स्टार्टिंग से टॉप में होगा, वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। तो आपने करना क्या है, प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे जाने के बाद भी आपको बोलेगा बल्क एक्शन अपलोड्स टॉप में, यहां से भी आप वही फंक्शन यूज कर सकते हैं जो मैं आपको प्रीवियसली यहां से बता रहा था, अपलोड एड कस्टमाइजर वैल्यूज इन बल्क। तो दोनों सेम है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं प्लस में जाता हूँ, यहाँ पे बल्क एक्शन करता हूँ। मैक्सिमम जो आप वीडियोस देखेंगे उन्होंने एट्रीब्यूट्स यहाँ से डिफाइन करके मैनुअली बनाए, वो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है, एक्सेल का प्रोसेस थोड़ा इजी लगता है, तो आप देख ले। बल्क एक्शन अपलोड्स, मैंने इस पे क्लिक करा, अभी लेके मुझे कहाँ जाएगा, टूल्स पे बल्क अपलोड पे, जैसे ये फ्रेंड्स ये वाला होता है ना आपका, टूल्स पे गया और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आपका बल्क एक्शन में अपलोड, ये मेरे को वहीं लेके जाएगा, ये ऑप्शन मुझे बल्क एक्शन में अपलोड में लेकर आया फोर्थ ऑप्शन में। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्लस करूंगा, जो मेरी फाइल थी मैं उसका नेम देख लेता हूँ पहले, ठीक है, अभी रिसेंटली मैंने बनाई है, इसको मैं यहाँ पे अपलोड अ फाइल करा। आप अपना अगर आपका शीट वगैरह है तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है ना, तो अगर आपके जैसे फॉर्मेट में सेव है आप वो देखें, और मैं आज की यहाँ के डेट डाल देता हूँ, ये टू वाला टैम्पलेट है, इसको मैं ओपन करता हूँ, और यहाँ पे प्रीव्यू पहले मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। प्रीव्यू देख लें, अगर आपका अप्लाइड आ रहा है सक्सेसफुली, सक्सेस आ रहा है चेंजेस में, दैट मीन्स डन है। तो ये मुझे फ्रेंड्स 6 सक्सेसफुल चेंजेस बता रहे हैं, ठीक है, मैं इसको अप्लाई करता हूँ, एरर्स नहीं बता रहा मुझे, अब मैं अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अप्लाई करने के बाद हमें एक बार पेज को रिफ्रेश जरूर करना है, अप्लाई जब आप कर दें एक बार रिफ्रेश कर लेना। रिफ्रेश करने के बाद टूल्स में आपको जाना है, टूल्स में जाने के बाद आपने अगेन बिजनेस डेटा में जाना है, क्योंकि ये आपको अपलोड्स में लेके गया था, ठीक है, और ऐड कस्टमाइजर एट्रीब्यूट्स में जाना है आपने। अभी देखिए यहाँ पे कोई एट्रीब्यूट आपके शो नहीं हुए ना जो आपने ऐड करें, एक बार पेज को रिफ्रेश जरूर कर ले, ठीक है फ्रेंड्स। तो रिफ्रेश के बाद आपका जो है, जो भी एट्रीब्यूट्स आपने ऐड करे हैं एक्सेल के, जो भी एट्रीब्यूट्स थे वो सारे आपको वहां पे शो कर देगा विद उनकी वैल्यूज, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमें ऐड पे सिंपली इसको एग्जीक्यूट करना है, और उसके बाद आपका मेन प्रोसेस स्टार्ट है। तो हार्डली
4-5 मिनट्स का कंटेंट और है, तो आपको आइडिया आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा यहाँ पर एट्रीब्यूट हमारा ऐड हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, हॉलीडे हनीमून टूर, ये हमारा टाइप था टेक्स्ट, और यहाँ पे हमारी अकाउंट वैल्यू थी। आप चाहें तो यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, बट हमने एक्सेल में कर दिया, अभी अंडर रिव्यू है बिकॉज अभी मैंने रिसेंटली क्रिएट करा है। डन, ये हमारा हो गया। अब हम जाते हैं कैंपेन्स पे, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं कैंपेन्स पे पहुंचा, कैंपेन्स पे जाने के बाद मैं सबसे पहले टूर वाले एड ग्रुप पे जाता हूँ, ठीक है। ये अकाउंट मैंने आज ही स्टार्ट करा था, रन भी हुआ है, लेकिन इसमें लगता है कुछ प्रॉब्लम आ गया, अभी बिलिंग करते ही सस्पेंड हो गया ब्रांड एंड से। तो अभी रिसेंटली मैंने स्टार्ट करा है, तो मैं सेटअप बना रहा था ऐसे ही फ्रीलांस बेस, तो मुझे लगा आप लोगों से शेयर करना चाहिए क्योंकि केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी और भी ब्रांड्स जिन पे मैं काम करता हूँ, ये तो जस्ट एक फ्रीलांसिंग शॉट में वैसे ही काम कर रहा था, तो मैं आपको शेयर कर रहा था। अब करना क्या है फ्रेंड्स, ये मेरे एक एड ग्रुप में दो एड कॉपी है, एक एड ये कुछ चला भी अभी कैंपेन, कुछ बिलिंग के बाद सस्पेंशन हुआ भी, जस्ट क्लिक्स भी है इसमें। अब मैंने क्या करा है, मैंने एक एड ग्रुप पॉज कर रखा है, मैंने एक एड कॉपी बनाया था, मैंने उसको पॉज कर रखा है। मैं पहले आपको उसमें एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। मैंने एडिट करा, एडिट करने के बाद यहाँ पे फ्रेंड्स हमें अपना जो कस्टमाइजर हमने लगाया है उसको हमें फंक्शन को रोल आउट करना है, ठीक है, उसको यहाँ पे यूज करना है। अब वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, और फिर यही एड कॉपी को हम कॉपी करके पेस्ट कर देंगे सारे एड ग्रुप्स में, मतलब आपको बार बार मैनुअली क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब वो कैसे होगा वो भी हम देखते हैं। यहाँ पे हमने कर्ली ब्रेसेस लगाना है, ये कस्टमाइजर का स्टार्टिंग वे है, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। कर्ली ब्रेसेस लगाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ऐड कस्टमाइजर, ठीक है। ऐड कस्टमाइजर लेते ही बोलेगा एट्रीब्यूट सेलेक्ट करें, तो मैंने एट्रीब्यूट सेलेक्ट करना है। अब ये मुझे बोल रहा है कौन सा एट्रीब्यूट आपको चूज करना है, मैंने बोला ऐड ग्रुप है मेरे टूर का, तो ऑब्वियसली मैं टूर के ही जो मैंने हेडलाइन बनाई है कस्टम एक्सेल पे वही लूंगा। तो ये नीचे दिखा भी रहा है सैम्पल जिम कॉर्बेट टूर पैकेज मेरी हेडलाइन है, सॉरी थोड़ा कैप्स में करना भूल गया, तो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर शुड बी कैपिटल हर एक वर्ड का, ठीक है, तो वो ध्यान रखना, वो जस्ट आपको बताने के चक्कर में मैं स्किप कर गया। डिफॉल्ट टेक्स्ट, अब कई लोग बोलते हैं डिफॉल्ट टेक्स्ट भी डालना है, तो डिफॉल्ट टेक्स्ट फ्रेंड तब डालना है जब आपने जो एक्सेल बनाया है उसकी कैरेक्टर लिमिट जो है 30 से ज्यादा हो गई, आपने लेन का फॉर्मूला नहीं लगाया, लेट्स सपोज या मेरे से मिस्टेकनली कैरेक्टर लिमिट हो गई 32, 33, 35 एग्जांपल किसी हेडलाइन की, और मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो तब 35 का तो मेरा आएगा नहीं ना, क्योंकि कैरेक्टर लिमिट तो 30 की है। उस केस में आप डिफॉल्ट टेक्स्ट यहाँ पे कुछ डाल सकते हैं, ताकि अगर मेरी कैरेक्टर लिमिट वहाँ पे एक्सीड हो गई एक्सेल में, तो गूगल मेरी डिफॉल्ट टेक्स्ट यहाँ से इसको दिखा दे, ठीक है। तो अब मेरे को लगाने की जरूरत नहीं डिफॉल्ट टेक्स्ट, बिकॉज मैंने लेन का फॉर्मूला लगाया लेस देन 30 तो मेरा ही आएगा, तो मैं इसको सिंपली अप्लाई कर देता हूँ। आपकी मर्जी, आपको अगर एक डिफॉल्ट टेक्स्ट लगाना है तो लगा सकते हैं। अब ये लग गया मेरा, अब मैं इसको कर देता हूँ पिन वन, बिकॉज मेरी जो एड की रेलिवेंसी है वो हेडलाइन वन पे मैं चाहता हूँ कि शो। अब मैंने इसको पिन वन करा है, तो मेरा प्रीव्यू देखिए फ्रेंड्स, जिम कॉर्बेट टूर पैकेज, ये मेरा प्रीव्यू पिन हो गया नंबर वन पे, मतलब ये वन पे ही दिखाएगा। अगर मैं टू पे ये पिन कर लेता हूँ सेकेंड नंबर पे कि मेरा लोएस्ट पैकेज गारंटीड है, तो ये सेकेंड नंबर पे मेरा एड पिन हो गया लोएस्ट पैकेज गारंटीड। तो हेडलाइंस बेसिकली दो ही आती हैं, गूगल ने ये 3, 4, 5 ऐसे ही कॉन्सेप्ट करा है, गूगल पे आप देखते हैं तो मैक्सिमम 2 ही आता है। तो ये पिन करने से क्या होता है, जो मैं पिन कर रहा हूँ यहाँ पे 1 पे और 2 पे पोजीशन 1, तो ये हमारी एड स्टिक करेगा, हेडलाइन यही आएगी हमारी 1 पे जिम कॉर्बेट टूर पैकेज। अब मल्टीपल हेडलाइंस और हैं, आपको जो जो हेडलाइंस और बनानी है, आप जैसे ट्रैवल सफारी वगैरह जो भी है आप मतलब बना लें, बट ये थोड़ा अकाउंट मतलब बिलिंग बेस्ड है, तो मैं ऐसे नहीं करूँगा कि मैंने कुछ भी डाल दिया, जस्ट जो हेडलाइंस थी कुछ पहले की क्लाइंट साइड से यूज हुई, प्लस डिस्क्रिप्शन आप और बना लीजिएगा, इसको ट्राई कीजिएगा कि ये स्ट्रेंथ आपकी एक्सेलेंट तक जाए, बिकॉज अभी और हेडलाइंस यूज करनी है हमने और डिस्क्रिप्शन यूज करनी है। अगर आपने हेडलाइन वन पिन कर दिया है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हेडलाइन टू पिन ना करें और सिर्फ मल्टीपल हेडलाइंस और 4 डिस्क्रिप्शंस, 2 ऐड और कर लें, डिस्क्रिप्शन 2 मैंने बना दिए, 2 ऐड और कर लें, टोटल 4 out of 2 मैंने यूज करें, 4 out of 4 बना लें, तो स्ट्रेंथ आपकी एवरेज या एक्सेलेंट गुड आपकी निकल जाएगी, ठीक है। एक पिन करना बहुत जरूरी है, जो मैंने अभी पिन करा है। अब एक तो मैंने टूर का बनाया, अब यहाँ पे मैं बना देता हूँ एक आपका एडिट करके कर्ली ब्रेसेस एड कस्टमाइजर, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, देख रहे हैं हॉलीडे भी आ रहे हैं, आपका हनीमून भी आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, इसको मैं ऐसे ही यूज करता हूँ टूर के लिए, और इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ, ठीक है। मैं अभी आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, मैंने एक बना दिया, ठीक है। अब ये मेरा ऐड पॉज ही था, जस्ट पॉज ही था मेरा ऐड कॉपी, तो मैं क्या कर रहा हूँ इस ऐड कॉपी को कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल सी मैंने कॉपी करा यहाँ पे, आप एडिट में जाके भी यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, और मैं इस ऐड कॉपी को यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, सॉरी पेस्ट मैंने यहीं पे कर दिया, वैसे
दूसरा एड ग्रुप में जाके भी कर सकता था, बट यहाँ से भी डायरेक्ट आप देख लीजिए। ये कैंपेन का नेम ऑप्ट करा, टूर में मैंने ऑलरेडी डाल दिया, अब हॉलीडे एंड हनीमून इन पे मेरे को एड पेस्ट करना है, तो वही सेम एड कॉपी मैंने यहाँ से इसको पेस्ट कर दी। अगर ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो डुप्लीकेट हो जाए, ऑन मैंने रखना है तो मैंने पेस्ट कर दिया। अब यही एड कॉपी में मैं जहाँ पे मैंने अभी एक कस्टमाइजर लगाया है वहीं पे मैं अपना हॉलीडे में हॉलीडे कस्टमाइजर लगा दूंगा, हनीमून में हनीमून कस्टमाइजर लगा दूंगा एडिट करके, बाकी सारा ऐड का कंटेंट मेरा सेम रहेगा, क्योंकि बाकी जो कंटेंट है वो मेरे ओवरऑल बिजनेस का है और रेलिवेंसी के लिए मैंने एक अपना जो है कस्टमाइजर के थ्रू पिन कर दिया ऐड को, ताकि उसको मैं जो है फर्स्ट पोजीशन पे बाय डिफॉल्ट शो करूँ। अब देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, ये मैं सेकंड वाले ग्रुप में आया, हॉलीडे वाले ऐड ग्रुप में गया, ऐड कॉपी में आया, ये मेरा पोस्ट ऐड, अभी मैंने बनाए नहीं थे कोई भी आईडी, मेरी फर्स्ट ही ऐड आई है इसमें, तो जस्ट आपको मैं सेटअप बना रहा था तो मुझे लगा आपके लिए वीडियो बनाना चाहिए इस पे। तो ये मैंने यहाँ पे कस्टमाइजर वन पे पिन करा था, अब मैं इस पर क्लिक करूंगा, टूर की जगह में यहाँ पे मैं ले लूंगा हॉलीडे, ये हॉलीडे वाला ग्रुप है, इसको कर दूंगा अप्लाई। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा जिम कॉर्बेट हॉलीडे पैकेज, ये मेरा फिक्स स्टेबल हो गया, ठीक है, कुछ नहीं करना, बाकी सारा कंटेंट सेम रहता है क्योंकि है तो आपके बिजनेस के बारे में। फिर मैं हनीमून में जाऊंगा, अगेन एड कॉपी को एडिट करके हनीमून कर लूंगा, इस तरीके से मेरी एड की थोड़ी रिलेवेंसी रहेगी और मेरा जो है कस्टमाइजर का यूज भी इसमें आ जाएगा। तो ये एक फंक्शन था जो आपको यूज करना है। इसी के साथ फ्रेंड एक चीज आपको और बताना चाहता हूँ, मैंने एवरी वीकेंड अब मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट कर दिए, ये मैं वीकेंड में देता हूँ, कोई भी वीडियो जब भी देखे तो कुछ टॉपिक्स हैं मुझे लगता है आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, आप सेल्फ स्टडी करें या कैसे भी करें, अगर आपको कोई डाउट क्वेरी है, कुछ असिस्टेंस आप चाहते हैं तो मैं भी आपको डेफिनेटली उस पर प्रोवाइड कर दूंगा। ये मेरा फोन नंबर है 8800687657, मेरी ईमेल आईडी भी है, साइट पे मेरा फॉर्म अभी वर्क नहीं कर रहा, बाकी साइट पे मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, बाकी मेरी ईमेल आईडी भी आप मेल भी कर सकते हैं। तो अभी फ्रेंड जो मैं आपको एक टॉपिक शेयर कर रहा हूँ वो ये है कि आपको इन पांच टॉपिक्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, खासकर पहले चार टॉपिक्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये थोड़ा आपको डिफाइन करते हैं प्रो लेवल पे, और ये अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे फॉर श्योर, क्योंकि मैं भी और जो अदर बिजनेसेस कर रहा हूँ अदर बड़े ब्रांड्स के साथ उन पे हम ये बहुत ज़्यादा एक्सेस में यूज़ कर रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। क्वेश्चन क्या है मैं थोड़ा आपको ब्रीफ कर देता हूँ, और मैं अपने ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशंस में वन ऑन वन ये अभी काम सिखा भी रहा हूँ, तो अभी मेरे वीकेंड बैचेस चल रहे हैं, तो अगर कोई इंटरेस्टेड है काम सीखना चाह रहा है या अगर किसी को माइनर डाउट है चीज़ें पता है तो मेरे से वैसे भी पूछ सकता है, बट अगर प्रॉपरली सीखना है तो इनकी मैं लाइव ट्रेनिंग्स करा रहा हूँ लाइव प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के साथ, तो आप सीख सकते हैं। अब मैं क्या क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपको पता होने चाहिए, अपने नॉलेज के लिए रख लें, कहीं यूट्यूब पे वीडियो मिलती तो बहुत अच्छी बात है आप सीख लें, बट ये कंटेंट थोड़ा अलग है, मैंने रिसर्च करके ही बनाया। सबसे पहले अगर आपको क्रिएट करना है परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन विदाउट एसेट विदाउट इमेज हेडलाइन डिस्क्रिप्शन, मतलब एसेट जब आप बनाते हैं उसके अंदर इमेज आती है, हेडलाइंस आती है, मल्टीपल डिस्क्रिप्शंस आते हैं, है ना, शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस आती हैं, शॉर्ट हेडलाइन आती है, वीडियो आता है, तो अगर आपको उसके बिना परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन बनाना है विदाउट इमेज के, कि सिर्फ वो आपका प्रोडक्ट बेस्ड हो या इमेज ना आए उसमें या आपके हेडलाइंस ना आए, डिस्क्रिप्शन ना आए जो कि डिस्प्ले पे चलाता है, अननेसेसरली ट्रैफिक देता है, तो वो आप कैसे क्रिएट करेंगे विदाउट एसेट, ठीक है, एक आपको ये फंक्शन पता होना चाहिए। दूसरा आपको पता होगा जब आप स्मार्ट शॉपिंग एड्स पे काम करते थे पहले, तो स्मार्ट शॉपिंग एड्स गूगल का एक फंक्शन था जो हम शॉपिंग में यूज़ करते थे, वो गूगल ने रिमूव कर दिया, बंद कर दिया, लेकिन अगर आपको उसको अभी भी यूज़ करना है गूगल एड्स में तो उस फंक्शन को कैसे ट्वीक करके आप यूज़ कर सकते हैं वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो फंक्शन डिसेबल हो गया है और उससे रिजल्ट बहुत अच्छे आते थे, तो वो मैं आपको यूज़ करना बताऊँगा अभी भी करंटली जबकि गूगल ने डिसेबल कर दिया। इसकी स्ट्रेटजीज बनती है, कुछ ऑल्टरनेटिव आप सेम स्मार्ट शॉपिंग कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं और उसको उस वे में रन कर सकते हैं, तो ये पता होना आपको बहुत ज़रूरी है। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्पेसिफिकली लीड प्रोवाइडर्स के लिए, जो कैप्चा फॉर्म कैप्चर करते हैं, ईमेल आईडी जनरेट मतलब कैप्चर करना चाह रहे हैं, या उनका बेसिक सोर्स ऑफ केपीआई होता है फॉर्म कैप्चर करना, डेटा उनको मिले, इंक्वायरीज इन शॉर्ट फॉर्म के थ्रू उनको रिसीव हो उनके मेल पे, हम कैसे रन कर सकते हैं जीमेल स्पॉन्सर्ड प्रमोशन कैंपेन, जीएसपी बोलते थे इसको पहले, और वहां से जो लीड्स आ रही है, मतलब कोई भी यूजर आपका जीमेल पे ऐड देखे स्पॉन्सर्ड, आप उसका डेटा कैप्चर कर ले, वो आपके पास आ जाए एक्सेल में, तो वो आप कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा जनरेट करना एक फंक्शन के थ्रू, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी बल्क में लीड्स आती हैं कि मतलब हम कंपनी के सेल्स फोर्स से इंटीग्रेट कर देते हैं जिन भी बड़े ब्रांड्स के लिए हम काम करते हैं, मतलब डेली 100-150 लीड्स ऐसे भी फ्लोट होती हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है
लीड प्रोवाइडर्स के लिए, ठीक है। अगला मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप प्रिपेयर करें इंटरव्यू के लिए अपने लिए और देखें अपना लेवल कितना आप कर सकते हैं। लैंडिंग पेज का जो कंटेंट होता है, जैसे कोई यूजर आपके गूगल पे कीवर्ड सर्च करता है, एड पे क्लिक करता है, लैंडिंग पेज पे आया। अब जो यूजर ने कीवर्ड गूगल पे सर्च करा है वही लैंडिंग पेज पे आपको चेंज करना है डायनेमिकली। मतलब जैसे आप डीके ऑन टेक्स्ट ऐड करते हैं ना, डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन ऑन टेक्स्ट ऐड, वैसे ही आपको अपने लैंडिंग पेज पे वो कंटेंट चेंज करना है। मैं लैंडिंग पेज की बात कर रहा हूँ, ऐड कॉपी की नहीं कर रहा। आपने अगर गूगल पे सर्च करा पीपीसी कोर्स दिल्ली, तो मेरे लैंडिंग पेज में चेंज हो जाए पीपीसी कोर्स दिल्ली। किसी ने सर्च करा एसईओ कोर्स दिल्ली, तो मेरे लैंडिंग पेज पे उसी लैंडिंग पेज पे चेंज हो जाए एसईओ कोर्स दिल्ली। तो एक ही लैंडिंग पेज है सिंगल पेज, क्योंकि हम तो सिंगल पेज ही यूज करते हैं मोस्टली, लैंडिंग पेजेस एक ही होता है आपका जो फाइनल यूआरएल होता है। अब उसको डायनेमिकली चेंज करना आपके टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो यूजर सर्च क्वेरी पास कर रहा है, तो ये आपने कैसे करना है। इससे आपका जो लैंडिंग पेज रेलिवेंसी स्कोर है, कीवर्ड क्वालिटी स्कोर पैरामीटर का एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर, वो बहुत इंपैक्ट करता है, ठीक है। और कोई स्पैम नहीं है, मतलब आपको ऐसे नहीं बता रहा कि आपकी साइट पेनलाइज हो जाएगी, स्पैम हो जाएगा, ये टेस्टेड स्ट्रैटेजीज है, आपसे नहीं बहुत टाइम से यूज हो रही है। तीसरा, एक वैसे तो GTM इंपॉर्टेंट है ही, टैग मैनेजर, और भी इसके अलावा मैं बहुत चीज़ें बताता हूँ अपनी ट्रेनिंग्स में कराता हूँ प्रो लेवल पे, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स, क्लास ट्रेनिंग्स भी होती है, मैंने ऑनलाइन भी स्टार्ट कर दी। अब मैं फर्स्ट बैच अपने वीकेंड से स्टार्ट कर रहा हूँ, इस वीकेंड से 5 या 6 ट्रेनिंग्स का एक बैच होता है, तो अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो सीख सकते हैं। लाइव एग्जीक्यूशन होता है मीट पे, मैं लाइव काम करता हूँ और आपको दिखाता हूँ सारी चीज़ें, जो क्वेरीज ऑन द स्पॉट रेज करें और चीज़ें क्लियर करें और लाइव देखें, ठीक है। हाउ टू इंटीग्रेट GTM एलिमेंट, टाइम एलिमेंट, मतलब टाइम एलिमेंट ये वो नहीं है जैसे आप सोच रहे होंगे कि कोई यूजर 10 सेकंड मेरी साइड में रुक रहा है तो उसकी लिस्ट बना लो, वो तो पता ही है, वो पता भी होना चाहिए आपको एनालिटिक्स में और GTM के थ्रू। मैं टाइम एलिमेंट की बात कर रहा हूँ कि आपके कोई पर्टिकुलर पेज पे आया, पेज पे कोई एक सेक्शन है, जैसे कोई वीडियो का सेक्शन है, और वो वीडियो वाले पार्ट पे लेट सपोज बटन क्लिक नहीं कर रहा कि वीडियो प्ले करके देख रहा है 10 सेकंड तो मेरा काउंट हो एज अ कन्वर्जन या ऑडियंस में ऐड हो। कोई पर्टिकुलर सेक्शन पे अगर मेरा यूजर कोई टाइम तक रुकता है, जैसे मैंने बोला कि 10 सेकंड तक अगर आप मेरे इस वाले पेज को स्क्रॉल कर रहे हो और यहाँ पर मेरे रुक रहे हो, एग्जांपल यहाँ पे मेरे रुक रहे हो किसी भी पार्ट पे और वहाँ पे स्टिक करते हो 10 सेकंड 5 सेकंड, तो वो टाइम एलिमेंट के बेसिस पे मेरा जो है वो कन्वर्जन रिकॉर्ड हो, ठीक है। मैं पेज की बात नहीं कर रहा, पर्टिकुलर एक सेक्शन की बात कर रहा हूँ। उस सेक्शन पे सपोज 75% पे मैं चाहता हूँ पेज स्क्रॉल होने पे 75% वाले सेक्शन पे कोई यूजर मेरी साइड अगर उस पर्टिकुलर सेक्शन पे 10 सेकंड रुकता है, कोई इंपॉर्टेंट पार्ट है वहां पे या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है या फॉर्म है वहां पे 10 सेकंड तक रुकता है, तो उसको काउंट करे एज अ कन्वर्जन या मेरी लिस्ट में ऐड करे रीमार्केटिंग की या मेरे इवेंट में उसको ऐड करे, तो वो मैं कैसे करूंगा। तो आपको टाइम एलिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा भी और बहुत है, स्क्रॉल का बनता है, आपका टाइमर का बनता है, वो बेसिक चीज है, वो तो मैं वैसे ही सिखा देता हूँ, ठीक है। बट ये एक थोड़ा अलग था, तो ये पता होना बहुत जरूरी है। तो ये 5 मेन मुझे लगता है कि अभी आपको यूज में आने बहुत जरूरी है, और इसका आप ट्राई करें। ऐसे क्वेश्चंस तो बहुत हैं, अनलिमिटेड बन सकते हैं आप, जैसे मैंने आपको आज एक कस्टमाइजर का बताया, इससे पहले भी और कई वीडियोस मैंने अपने चैनल पर डाली है, तो आप इनको देखें और इनको समझें और इनको ट्राई करें। अगर इनमें कोई डाउट क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे मैं एवरी वीकेंड देता हूं, जो जब वीडियो देख रहा है उससे कोई कंसर्न नहीं है। आपने करना क्या, सिंपली मुझे कॉल करें मेरे नंबर पर, और अगर आप ये सेशन अटेंड करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। मैं बिल्कुल नॉमिनल फीस पे कराता हूं, ज़्यादा मेरी फीस है नहीं, बिल्कुल अफोर्डेबल है, और काम मैं आपको रियल टाइम सिखाऊंगा। जो एग्जीक्यूशन लाइव करते हैं और ब्रांड्स पे करते हैं वो मैं आपको साथ में पूरा अटेंड, 1-on-1 होगा विद डाउट क्लियर सेशन, ठीक है। तो ये इस सेशन में था फ्रेंड्स। फिर भी स्टिल आपको कोई डाउट क्वेरी है, कुछ भी आपकी क्वेरीज है, कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो मोस्ट वेलकम, आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे, थैंक यू।